अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमका लेक्चर नंबर 5 है और हम लोगों ने गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है उसका पढ़े हैं। उसका चैप्टर नंबर 4 जो है ये आज हमने पढ़ना है। बेटा मैंने चैप्टर 3 पढ़ाया, चैप्टर 2 पढ़ाया, चैप्टर 1 पढ़ाया। मैं स्टेज बाय स्टेज जो है वो आपकी तरफ इस काबिल को लेके आ रहा हूँ। अब जो मेन चैप्टर है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में बेटा जो मिस्टर चिप्स और कैथरीन का मिलाप है वो कैसे हुआ वो इस चैप्टर में बताया। उसकी बेस पर ये चैप्टर जो है बोर्ड के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट है और बेटा इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं चैप्टर नंबर 4 से। अच्छा सबसे पहले मामूल के मुताबिक मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का। चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद देन फिर हम अपना लेक्चर जो है वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप लोगों से शेयर करें। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 में ये बताया गया है कि एक सन का जिक्र है, उसे कहते हैं कि AD 96 1896 में मिस्टर चिप्स अपने एक दोस्त के साथ समर वेकेशन में हिली एरिया में सैर व तफरी के लिए गया। वहां जाकर उन लोगों ने और जिस इलाके में गए उसका नाम था लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट में उसका एक कुलीग जो उसके साथ ब्रूकफील्ड में पढ़ाता था, प्रोफेसर था वो भी, उसके साथ गया। जब उधर गए तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस साहब को किसी जरूरी काम की वजह से घर आना पड़ा। मिस्टर चिप्स ने कहा कि अब तो मैं लेक डिस्ट्रिक्ट में आया हूं तो क्यों ना मैं यहां पर कुछ दिन और स्टे करूं। एक दिन निकल पड़ा ग्रेट डेवल की तरफ। ग्रेट डेवल एक पहाड़ का नाम है। उस ग्रेट डेवल की तरफ निकल पड़ा। जब उधर गया है तो क्या देखता है मिस्टर चिप्स, बेसिकली बहुत बड़ा कोपेमा था, पहाड़ों पे चढ़ता था, पहाड़ों पे चढ़ना जानता था। क्या देखता है कि एक इंतहाई खतरनाक चट्टान में एक लड़की खड़ी है और वो हाथ हिला हिला के इशारे कर रही है। मिस्टर चिप्स ने जब ये देखा तो उसने महसूस किया कि शायद ये लड़की जो है किसी मुसीबत में है और इसकी मदद करनी चाहिए। दौड़ा है ग्रेट गेबल की तरफ और ग्रेट गेबल की चोटी के ऊपर वो लड़की खड़ी हाथ से इशारा कर रही थी। बाप के उसकी तरफ गया है। जैसे वहां पहुंचा है अभी थोड़ा दौड़ा है, अभी ऊपर नहीं गया तो अचानक फिसल के नीचे गिर पड़ा और उसके टखने में मोजा। अब ऊपर से उस लड़की ने देखा कि एक बुजुर्ग 48 साल का मिस्टर चिप्स था उस वक्त, वो गिरा है, वो तेजी से नीचे उतरी है। बेसिकली वो खुद कोपे में थी, खुद पहाड़ों में चढ़ना जानती थी और वो ऊपर इंतहाई खतरनाक चट्टान पे खड़ी अपनी फ्रेंड्स को इशारे कर रही थी कि देखो मैं किधर आ गई। तो मिस्टर चिप्स ने यह समझ लिया कि ये परेशान है, ऊपर चढ़ गया, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है तो क्यों ना इसकी हेल्प की जाए। और वो गिर पड़ा और वो ऊपर से उतर के आई। वो और उसकी एक सहेली थी, सहारा देकर उसको उसके जहां पे एक फार्म हाउस में वो ठहरा हुआ था वहां पे उसे पहुंच गया। अब कैथरीन जो थी उस लड़की का नाम कैथरीन था। अब कैथरीन जो थी वो कैसी थी, उसका हुलिया कैसा था। 25 साल उसकी उम्र, नीली आंखें, रुखसार पर गालों पर छाइयों के निशान, ब्लैक ब्लैक निशान और स्ट्रॉ कलर के उसके
नरम मुलायम बाल थे। अब वो मिस्टर चिप्स को लेकर वहां जहां वो ठहरा हुआ था वहां पहुंची है, और डेली उसकी सहेली उसको छोड़ के चली गई। उसने कहा कि मैंने अपने जाना है, क्योंकि इनको मेरी वजह से चोट लगी है, तो मैं इनको अब तिमारदारी के लिए तो इनके पास रोज आया करूंगी जब तक ये ठीक नहीं होते। लिहाजा उसकी सहेली भी अपने घर चली गई। वो वहीं पे रोज मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए आती, उनका हाल अहवाल पूछती, दरियाफ्त करती कि आप ठीक हैं। मिस्टर चिप्स भी इसी तरह वो डेली, अब उसको भी कैथरीन का इंतजार होता है कि वो कब। अब अगर मैं मिस्टर चिप्स की बात करूं, मिस्टर चिप्स बेसिकली 48 साल की एज है, उसने शादी नहीं करवाई है। उसकी वजह वो ये बताता है कि मुझे ख्वातीन अच्छी नहीं लगती, कहता आई हेट वुमेन, कहता मैं ख्वातीन में चला जाऊं तो मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं। कहता है 19 सेंचुरी की जो ख्वातीन है इंतहाई ड्रोनी मखलूक है, इनसे डर लगता है। लिहाजा मिस्टर चिप्स को ख्वातीन पसंद नहीं थी। वैसे भी ख्वातीन उस दौर में साइकिल यूके में चलाया करती थी, मिस्टर चिप्स को साइकिल चलाने वाली लड़कियां ख्वातीन पसंद नहीं थी। इसके अलावा मिस्टर चिप्स को ख्वातीन का यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। मिस्टर चिप्स का को ख्वातीन का वोट डालना जो है यह भी बिल्कुल पसंद नहीं था। अब अगर उधर मैं कैथरीन की बात करूं तो कैथरीन को बूढ़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो अक्सर यही समझती थी कि जो बूढ़े लोग होते हैं ये इंतहाई बोरिंग होते हैं, इनको सिर्फ एक ही काम आता है अखबार रीड करना, अखबार पढ़ना, इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है। लिहाजा वो भी बूढ़ों को पसंद नहीं करती थी। अब कैथरीन डेली बेसिस पे इसके पास आती इसको पूछने के लिए। अब मिस्टर चिप्स के दिल में इसकी कदर बैठ गई। 48 एज है, शादी नहीं करवाई है सिर्फ इसलिए कि ये खवातीन जो है ये ड्रोनी मखलूक। अगर एक दिन वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ तो चलते चलते लाठी के सहारे अपने जहां पे उसने स्टे किया हुआ था वहां से निकलता है, और एक छोटे चर्च के पास एक स्लैब है संगमरमर की, पत्थर की, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, लंगड़ाता हुआ जाता है और वहां जाके बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो सिर्फ यही इंतजार करता है कि कब कैथरीन सामने से साइकिल चलाती हुई आए और मैं उसे देखूं, क्योंकि कैथरीन साइकिल चलाती हुई मिस्टर चिप्स को बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए वो डेली बेसिस पे क्या करता था, अब खुद आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाता हुआ उस छोटे से चर्च के पास जो स्लैब थी वहां जाके बैठता था, सामने से कैथी साइकिल चलाती हुई आती थी और उसको अच्छा लगता था। अब मिस्टर चिप्स इस लेसन में यह भी बताया गया है, बर्नार्ड शॉ और इब्सन को लाइक नहीं करते, ये राइटर्स हैं, क्यों उन्हें पसंद करते हैं ये जब मैं चैप्टर की डिस्कशन करूंगा मैं उसमें इसका जिक्र जरूर करूंगा। मिस्टर चिप्स उसे लाइक नहीं करते बर्नार्ड शॉ और इब्सन को, जबकि कैथरीन जो है वो बर्नार्ड शॉ को पढ़ती है उसको बहुत अच्छा लगता है, इब्सन को पढ़ती है उसके ड्रामे उसको बड़े अच्छे लगते हैं तो वो उसको लाइक करती है। अब कैथरीन ये भी कहती है कि औरतों को यूनिवर्सिटी में जाके तालीम हासिल करना चाहिए, मिस्टर चिप्स इसके खिलाफ था। कैथरीन ये भी कहती है कि औरतों को वोट डालने का हक हासिल होना चाहिए, मिस्टर चिप्स इसके भी खिलाफ था। आखिर दोनों एक दूसरे के जब करीब हुए, दोनों की सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, जब दोनों एक दूसरे के करीब हुए तो विदन अभी दोनों सर से लेकर पांव तक एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए, और बहुत जल्द
उन्होंने लंदन में शादी कर ली। ये था बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। अब जरा इसकी डिस्कशन की तरफ आते हैं। 1896 की बात करता हूं। 1896 में क्या हुआ कि चिप्स वाज 48 इयर्स ओल्ड, चिप्स 48 साल का हुआ था और अपॉइंटेड द हाउस मास्टर, उसे हाउस मास्टर मुकर्रर कर दिया गया था। ये हाउस मास्टर क्या होता है, हॉस्टल का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था मिस्टर चिप्स को 1896 में। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में जितने वाकयात हुए हैं वो सिर्फ 1896 में हुए हैं। ये बोर्ड में आ जाता है, बड़े इंपॉर्टेंट आ जाता है कि 1896 में क्या हुआ। हम उसमें लिख सकते हैं कि 1896 में मिस्टर चिप्स 48 साल का हुआ, मिस्टर चिप्स हाउस मास्टर मुकर्रर हुआ, मिस्टर चिप्स कैथरीन को मिला, मिस्टर चिप्स ने शादी की, सारी बातें आप लिख सकते हैं। अच्छा, वेयर एंड विद हूम डिड चिप्स गो टू गो इन 1896, कहते कहां और किस जगह मिस्टर चिप्स जाता था 1896 में। हिज कुलीग रोडन, मैंने आपको यही बताया था कि वो अपने कुलीग के साथ गया, उस कुलीग का नाम है रोडन, कहां गया, ले डिस्ट्रिक्ट में गया। अच्छा, क्यों गया, वांटेड टू ज्वाइन द हिली एरिया, क्योंकि वो हिली एरिया को इंजॉय करना चाहता था, इसलिए गया था। मेट कैथरीन, कैथरीन से मिला, होम ही लव, जिससे वो प्यार करता था। ये सारे का सारा 1896 में मिस्टर चिप्स कहां गया, किसके साथ गया और इसको कौन मिला, उसका जिक्र किया गया। अच्छा, लेक डिस्ट्रिक्ट में स्टे, ना लेक डिस्ट्रिक्ट से किसमें से स्टे कहां किया था, इन अ स्मॉल फार्म हाउस, एक छोटे से फार्म हाउस में स्टे किया एट वेस्टेड हेड। ये लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह का नाम है वेस्टेड हेड, जो है वहां पे एक छोटा सा फार्म हाउस था, मिस्टर चिप्स वहां ठहरा था। अच्छा, चिप्स ऑन द ग्रेट टेबल, यानी कि ग्रेट टेबल में उसने किसको देखा, ये पहाड़ का नाम मैंने आपको बताया, ग्रेट गेबल पहाड़ का नाम है। और या रेस्ट हिज एंकल, मिस्टर चिप्स के एंकल में मोच कैसे आई थी, तो लिखा है सा अ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, जो एक चट्टान पर खड़ी थी, थॉट, सोचा, शी वॉज इन ट्रबल, वो मुश्किलात में थी, रैन टू हेल्प हर, दौड़कर उसकी मदद की, ही स्लिप्ड, वो फिसल गया, एंड रेंच्ड हिज एंकल, और उसके एंकल जो है टखने में मोच आ गई। अच्छा, उसके बाद डिड नॉट लाइक वुमेन, मिस्टर चिप्स खवातीन को पसंद नहीं करता था, क्यों नहीं पसंद करता था, कहता था 19th century की जो वो खवातीन होती है वो इंतहाई बदसूरत होती है, कहता है अगली होती है, अनकंफर्टेबल फील करता है उनके दरमियान, नॉट लाइक वुमेन स्टेटिंग अप माई साइकिल, खवातीन का साइकिल चलाना पसंद नहीं करता। दिस लाइक बट नॉट शॉ एंड इब्सन, अब इब्सन और दिस बर्नार्ड शॉ, मैंने आपको बताया कि ये राइटर है, इनको ये पसंद नहीं करता, मिस्टर चिप्स को ये अच्छे नहीं लगते हैं, क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, कन्वेंशनल फेलोज, पुराने ख्यालात का मालिक था मिस्टर चिप्स, पुराने सोच, डिसलाइक बर्नार्ड शॉ, बर्नार्ड शॉ को डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था, फॉर हिज स्ट्रेंज एंड शॉकिंग आइडियाज, उसके अजीब और शॉकिंग आइडियाज की वजह से वो उसे पसंद नहीं करता था। फिर है जी डिसलाइक इब्सन, इब्सन को पसंद नहीं करता था, फॉर हिज डिस्टर्बिंग प्लेस, उसके डिस्टर्ब करने वाले ड्रामों की वजह से वो इब्सन को भी लाइक नहीं करता था। अच्छा, ब्रॉट होम फ्रॉम गेवेन, गेवेन से उसे घर में क्यों लेके आया, मैंने अभी आपको बताया कैथरीन और उसका दोस्त, उसकी दोस्त कैथरीन एंड हर फ्रेंड ब्रॉट होम टू वेस्टेड हेड, मैंने बताया लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह
जाएगा इसके डेट उसके अंदर मिस्टर चिप्स को कैथरीन और उसकी दोस्त के लिए कैथरीन प्रिंसेस लूस। अब फिर सवाल एक बनता है बोर्ड पे बड़ी मतलब आया है इंतहाई मतलब ये सवाल आया है कि कैथरीन कैसी दिखाई देती है। यंगो 25 25 साल जवान ब्लू फ्लैशी आईज चमकदार गीली आंखें फ्रेग्रेंट चीक्स छाइयों वाले रुखसार स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर लंबे स्मूथ सीधे स्ट्रॉ कलर के उसके बाद है कैथरीन विजिटेड डेली। पहले भी आपको पता है रोज आती थी ये भी आ जाता है। शी कंसीडर्ड हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल वो अपने आप को जिम्मेदार समझती थी फॉर हिज एक्सीडेंट उसके एक्सीडेंट का जिम्मेदार समझती थी। इट वॉज हर ड्यूटी टू नर्स चिप्स ये उसकी ड्यूटी थी कि वो चिप्स को नर्स चिप्स चिप्स की मदद करे नर्स का मतलब मदद करना। अच्छा प्रोफेशन ऑफ कैथरीन कैथरीन का पेशा क्या था इसका जिक्र इस चैप्टर में है। गवर्नेस ऑफ जो गवर्नेस कहते हैं वो उस्तादी वो टीचर जो होम ट्यूशन पढ़ाए उसको गवर्नेस कहते हैं। आउट ऑफ जॉब ये कोई नौकरी नहीं होती है जितना अरसा पढ़ा बच्चों ने पास हो गए होम ट्यूशन खत्म तो इसीलिए आउट ऑफ जॉब थी उसके पास नौकरी नहीं थी गवर्नेस करती थी घरों में जाकर होम ट्यूशन जो थी वो पढ़ाती थी। कैथरीन थिंक्स वुमेन्स राइट अब वो सोचती कि खवातीन के राइट्स क्या हैं कहते वुमेन ऑट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज कहते हैं खवातीन को चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले इंटाइटल्ड उन्हें हक हासिल है टू वोट डालने का हक हासिल है। पॉलिटिकल व्यूज ऑफ कैथरीन कैथरीन के पॉलिटिकल व्यूज हैड रेडिकल व्यूज उसके इंकलाबी व्यूज थे इंप्रेस्ड मुतासर होती थी किससे बाय बर्नार्ड शॉ से एंड विलियम मॉरिस एडिक्सन इनसे वो बड़ी मुतासर थी। वेयर डिड ही गो यानी कि वो जब लगड़ाता था तो लगड़ा के कहां आता था जब उसके पांव में मोच आ गई थी उसका जिक्र किया है टू अ टीनी चर्च टीनी छोटे चर्च की तरफ आता था सैट ऑन अ स्टोन स्लैब एक पत्थर की स्लैब पे बैठ जाता था वुड वेट फॉर कैथी कैथी का इंतजार करता था वुड लिसन टू हर एंड एग्री और जो वो कहती थी उसको सुनता था और उस पर एग्री भी हो जाता था तो जो कहती है वो ठीक है। तो बेटा इसके तो दो चार पॉइंट हैं वो मजीद मैं इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करूंगा बाकी आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़।